हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे आई एम हियर विथ चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश व्हिच इज बॉब एंड द क्या होता है? जिसमें बैठ के बाथिंग की जाती है देखिए पिक्चर में बॉब क्या कर रहा है यहाँ पर ही इज टेकिंग बाथ इन टब, वो अपने बाथ टब में बैठ के बाथिंग कर रहा है तो बॉब और उसके बाथ के बारे में ये स्टोरी है

सेकेंड क्वेश्चन नेम थिंग्स यू हैव इन योर बाथरूम आपको कुछ चीजों के नाम बताने हैं जो कि आपके बाथरूम में हैं कौन कौन सी चीजें यूजली होती हैं बाथरूम में टूथपेस्ट टूथब्रश सोप केस सोप वॉश वेशिंग टॉवल हैंगर टॉवल, मिरर टब ये सारी चीजें हमारे बाथरूम में होती हैं तो जो भी चीजें आपके बाथरूम में हैं उनके आपको नेम मेंशन करने हैं देन क्वेश्चन नंबर थर्ड डू यू हैव दंस शोन ही आपके पास चीजें हैं जो यहाँ पिक्चर में शो की जा रही हैं ऑब्वियसली देखिए इसमें फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश ये तो है ही है हमारे बाथरूम में इसको भी टिक करिए येस आई हैव देन मिरर भी है वॉश मेशीन भी होता है हमारे बाथरूम में देन सोप के सोप बाथट टॉवल हैंगर टॉवेल तो ये चीजें हमारे बाथरूम में है ये यूजल चीज़ें हैं जो सभी के बाथरूम में कॉमनली मिल जाती हैं देन लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो से वॉट वी यूज दैम फॉर आप आपको बताना है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं क्यों इनका यूज़ करते हैं क्या इनका यूज होता है सो टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश इनका यूज क्या होता है दीज आर हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग अवर टीथ इनकी मदद से हम अपने टीथ को क्लीन करते हैं टंग क्लीनर ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग अवर टंग देन सोप से हम बाथिंग लेते हैं वॉश वशिंग पे हम अपने हैंड्स को वॉश करते हैं देन टॉवल इज यूज टू यूज फॉर ड्राइंग अप अवर हैंड्स एंड बॉडी मिरर में हम अपने अपना फेस वगैरह देखते हैं प्रॉपरली हम चेक करते हैं कि कहीं फेस में मैं सोप तो नहीं लगा इन ऑल देन आफ्टर बाथट में हम बाथिंग करते हैं वी एंजॉय अवर बाथ इन बाथट तो ये थे इनके यूजेस Now get set to start the chapter. My little brother Bob is three years old. मेरा छोटा भाई बॉब थ्री ईयर्स का है तीन साल का है He loves everybody and everything. वो सबको प्यार करता है और सब चीजों से प्यार करता है Everybody means हर एक बंदे को हर एक पर्सन को जो घर में है सबको प्यार करता है And everything means हर चीजों को प्यार करता है But what he likes best is the bathtub. लेकिन सबसे ज्यादा अधिक पसंद क्या है उसको द थिंग व्हिच ही लाइक्स द मोस्ट इज बाथटब सबसे अधिक उसको बाथटब पसंद है अपना जहां उस पे बैठ के वो बाथिंग करता है बॉब डजंट केयर इफ द बाथटब इज फुल और एम्प्टी बॉब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाथटब फुल है कि खाली है एम्प्टी मींस खाली फुल मींस भरा हुआ तो बॉब को केयर नहीं होती बॉब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाथटब उसका भरा हुआ है पानी से कि खाली है वो उसको एंजॉय करता है उसमें जाके बैठ जाता है खाली बाथ में भी ही यूज्ड टू और कभी कभी जब बाथटब फुल रहता है तब भी वहां पर जाके बैठ जाता है एवरी मॉर्निंग मॉम गिव्स बॉब अ बाथ हर सुबह मम्मा बॉब को बाथिंग कराती है बॉब लाइक्स स्टेइंग इन द बाथट बॉब को बाथटब के अंदर रहना बहुत पसंद है He doesn't want to come out. वह उससे बाहर निकलना नहीं चाहता Mom has to pull him out of the tub. मम्मा को उसे बाहर निकालना पड़ता है खींचना पड़ता है उसको टब से बाहर Bob starts crying. Bob रोने लग गया Bob, you have been in the tub for an hour, says Mom. तो मम्मा जब उसको बाथ टब से बाहर निकालती है Bob starts crying. मतलब Bob रोने लग जाता है बॉब यू हैव बीन इन द टब फॉर एन आवर मम्मा बोलती हैं कि बॉब अब तुम बहुत देर तक टब में रह चुके हो एक घंटे से फॉर एन आवर टब तुम टब के अंदर लगभग एक घंटे के लिए थे सेज़ मामा ने बोला नाउ पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड ड्रिंक योर मिल्क अब अपने कपड़े पहनो और मिल्क पियो नो नो क्राइस बॉब नो क्लोथ्स नो मिल्क आई वोट स्टे बॉब बोलता है नहीं नहीं मम्मा मुझे कोई कपड़े नहीं पहनने मुझे कोई मिल्क नहीं पीना मुझे और यहाँ पर रहना है वोंना मींस क्या होता है वांट टू मम्मा और मुझे यहाँ पर रहना है इफ द टब इज एम्प्टी बॉब थ्रोज हिज टॉयज इनटू द टब जब कभी टब खाली होता है एम्प्टी होता है तो बॉब अपने खिलौने उस टब में थ्रो कर देता है फेंक देता है देन ही क्लाइम्स इन एंड स्टार्टस प्लेइंग विद देम और फिर उसके अंदर वो खुद भी जंप करके अंदर बैठ जाता है और वहां पे खेलना स्टार्ट कर देता है उन खिलौनों के साथ में, उन के साथ खिलौने। मेक हिम गेट आउट वो तब तक वहां टब में बैठ के खेलता है जब तक कि हम उसको बाहर वहां से नहीं निकालते सो वी द बाथरूम डोर शट इसीलिए हमें हमें बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना पड़ता है Yesterday, Bob gave me a big shock. कल ने मुझे एक बड़ा शॉक दिया मुझे अचंबे में डाल दिया बॉब ने आई फिल्ड द टब विथ वॉटर एंड बबल बाथ मैंने टब को फिल किया मैंने उसे पानी भरा और उसमें बबल बाथ के लिए उसको प्रिपेयर किया मतलब एक लिक्विड होता है पाउडर होता है जिससे की हम वॉटर जिसे टब में हम डाल देते है तो उसमे काफी सारे बबल्स रेस हो जाते हैं उसकी स्मेल बहुत प्लीजेंट होती है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत सारे बबल्स के बीच में जब हम नहाते हैं तो हमें मजा आता है करते हैं तो बॉब ने भी बॉब के ब्रदर ने भी यही किया उसने क्या डाला उसने कुछ लिक्विड डाल दिया उसमें जिसकी वजह से काफी सारे बबल्स उस टब के वॉटर पे रेज हो गए बिफोर आई गॉट इन टू द टब द टेलीफोन रैंग बॉब का ब्रदर बोलता है जैसे ही मैं टब की तरफ जा रहा था नहाने के लिए तो जाने से पहले ही फोन बज गया द फोन रैंग टेलीफोन रेंग आई द बाथरूम डोर एंड वेंट टू पिक अप द फोन मैंने द बाथरूम का दरवाजा बंद किया और मैं कहाँ पर गया फोन को पिक करने के लिए फोन उठाने के लिए मिनट लेटर और जब मैं एक मिनट के बाद आया वेन आई केम बैक जब मैं वापस आया एक मिनट के बाद द बाथरूम डोर वॉज ओपन तो बाथरूम का डोर खुला हुआ था बॉब वॉज इन द टब और बॉब उस टब के अंदर जाके बैठ चुका था विथ ऑल हिज क्लोथ्स ऑन और कपड़े पहने पहने ही उसने वहां पर जाके वो बैठ गया था कपड़े पहने हुए ही वो वहां पर जाके बैठ गया था उसने कपड़े भी नहीं उतारे थे ही वॉज कवर्ड विस उसकी पूरी बॉडी बबल्स से ढकी हुई थी एंड ही वॉज नोट एलून और वो वहां पर अकेला भी नहीं था मैक अवर लिटिल डॉग वॉज विथ हिम इन द टब मैक हमारा छोटा सा जो डॉग था वो भी टब में बॉब के साथ था बॉब वट आर यू डूइंग आई क्राइड मैंने बॉब से बोला तुम क्या कर रहे हो बॉब यहां पर आई एम गिविंग मैक बाथ ही सेड तो बॉब ने आंसर किया कि आई एम गिविंग मैक मैं मैक को मैं नहला रहा हूं आई यंग बॉब एंड मैक आउट ऑफ टब एंड कॉल्ड माई मदर तो उसका भाई फिर बोलता है कि मैंने बॉब और मैक दोनों को बाहर निकाला पुल किया खींच के उन दोनों को बाहर निकाला यंग मींस क्या होता है पुल शार्पली खींच के उन दोनों को बाहर निकाला टप से बाहर और मैंने मम्मा को बुलाया किसने किया ऐसा बॉब के ब्रदर ने किया ऐसा उन दोनों को खींच के बाहर निकाला और मम्मा को उसने कॉल किया मदर ट्राई डेम ऑफ मम्मा ने उनको दोनों को ड्राई किया टॉवल से वाइप किया उनकी बॉडी को दोनों को ड्राई किया सुखाया टॉवेल से शी बॉब बॉब फिर उस उन्होंने ने से पूछा हाउ डिड यू गेट इन टू द बाथरूम तुम बाथरूम में कैसे चले गए बॉब रिस्ट हिज टोज एंड टर्न डोर नॉब तो बॉब क्या करता है मम्मा को दिखाता है वो जाता है डोर के पास जाता है और डोर के नॉब को ओपन कर देता है कैसे अपने टोज में खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके टोज में खड़ा हो जाता है और नॉब तक पहुंच जाता है डोर के नॉब तक एक राउंड हैंडल होती है जिससे कि डोर को हम ओपन करते हैं ना उसे हम डोर नॉब कहते हैं तो उस डोर नॉब तक ओपन टोज के बल पे खड़ा हो जाता है और वहां तक पहुंच जाता है और डोर को ओपन कर लेता है उसने मम्मा को करके दिखाया ऐसा आई एम अग बॉय ही सैड विथ अ हैप्पी स्माइल और ऐसा करके उसने क्या बताया मम्मा को मम्मा लुक आई एम अ वेरी बिग बॉय ना हो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ा ब, 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 बॉय हो चुका हूँ बड़ा लड़का हो चुका हूँ और वो बड़ा खुश होता है ऐसा करके मम्मी को ऐसा हैप्पी स्माइल दे के बोलता है कि मम्मा आई एम अ बिग बॉय लास्ट नाइट डैड लॉकड द बाथरूम डोर फिर उसका ब्रदर बताता है कि अब लास्ट नाइट पिछली रात पापा ने बाथरूम के डोर को लॉक कर दिया है ही पुट द की वेयर बॉब कान रीच इट उन्होंने की कहाँ रख दी है जहां पे बॉब अब वहां तक पहुंच ही नहीं पाता चाभियों तक और मम पापा ने चाबियां अब छुपा दी हैं जिससे कि बॉब अब बाथरूम में बार बार ना जा पाए सो दिस वॉज योर स्टोरी